हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप। और दोस्तों, आजकल जो हिसाब किताब चल रहा है एक ऐसे वायरस की वजह से जिसका नाम हम अपनी वीडियोस में नहीं ले सकते हैं, जिस पेंडेमिक से अभी हम गुजर रहे हैं, इसमें दोस्तों ऑनलाइन लाइव जो हिसाब किताब है वो ज़्यादा हो गया है। सो दोस्तों, नॉट ओनली दिस, मुझे काफ़ी लाइव स्ट्रीम जो भी मैं करता हूँ उनके अंदर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू लाइव। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो काफ़ी जगह परसिस्ट कर रहा था, जो मुझे भी अपने आप में अंदर से लग रहा था कि ये वाला लाइव का कोई जो सोल्यूशन निकलना चाहिए। क्वेश्चन मेन ये था दोस्तों कि आजकल लाइव जो हो रहे हैं, बिकॉज हर चीज़ बंद है, इवन टेम्पल्स जो आपके गुरुजीज के हाउसेज हैं और जहाँ से स्पिरिचुअल आपको जो है बातें सुनने को मिलती हैं, वो सारे हाउसेज बंद हैं। तो दोस्तों, मुझे जो कुछ चर्चेज से, जो चर्च हैं उनसे, कुछ टेम्पल्स से और कुछ ऐसी जगहों से जो है, जो गुरुजीज होते हैं उनके वहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा था कि वो लाइव करना चाहते हैं, और ईजिएस्ट वे और बेस्ट पॉसिबल वे कैसा है, कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट इसके अलावा जो मैं आज टूल आपको बताने जा रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली उन्हीं लोगों के लिए है जो कि स्पिरिचुअल सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व हैं, ताकि उनकी जो स्पिरिचुअल सर्विसेज हैं वो रुके ना। बिकॉज आज के इस टाइम पे ऐसी सर्विसेज घर घर पहुंचनी चाहिए। अगर आप फिजिकली नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वर्चुअली वाया मोबाइल लाइव्स आप इजीली पहुंच सकते हैं। सो दोस्तों, ये वाला जो चीज़ करने के लिए हमें करना क्या होगा, एक बहुत सिंपल सी ऐप है जो मैंने अभी सर्च की है। इस ऐप का नाम है मॉब कैम। दोस्तों, ये एक मॉब क्रश करके कंपनी है, उसकी ये वाली ऐप है, और इस ऐप के थ्रू आप जो लाइव है बहुत ही ईजिली कर सकते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म फ्रॉम योर फोन। और मैं इसमें मेंशन कर दूं, आपके सब्सक्राइबर्स 1000 होने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन आपका 1 सब्सक्राइबर है या फिर आपका जो यूट्यूब का जो लाइव है वो एक्टिव होना चाहिए, आप ये वाला चीज़ लाइव इजीली कर पाएंगे। इसके लिए सब्सक्राइबर अकाउंट भी बढ़ने ज़रूरी नहीं है। जो मैं लाइव आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी करके देख लिया है, विद 6 सब्सक्राइबर्स ऑन अ चैनल ये वाला लाइव परफॉर्म हो रहा था। और दोस्तों, मैं अपनी बात को पर्टिकुलरली यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये वाली जो लाइव जो ऐप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी स्पेंड नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। सो द थिंग इज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है तो ये ऑथेंटिकेटेड भी ऐप है। इन एडिशन टू दिस दोस्तों, ये वाला जो ऐप है इसके अंदर आप मोबाइल से ही सब कुछ करने वाले हैं, और जो मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज कि स्पिरिचुअल सर्विसेज विदाउट रुके सब तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो से अगर आप कोई भी डोनेशन देंगे, उसके रिलेटेड मैंने चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं, अगर कोई डोनेशन आएगी तो 50% जो है वो स्पिरिचुअल कामों में खर्च कर दी जाएगी। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं आपको ऐप पर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि ये वाला चीज़ होता कैसे है। दोस्तों, ये वाला जो ऐप है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इसमें से जो आप स्क्रीन अभी देख रहे हैं, इसमें से जो ऑरेंज सबसे यहाँ पे जो नीचे नज़र आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऑरेंज में ये वाला चीज़, इसको छोड़ दीजिए, बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसी आएंगी। अब दोस्तों, ये जो गो लाइव लिखा आ रहा है, आपको जो इस ऐप के अंदर लॉग इन करना है अपने यूट्यूब प्रोफाइल से, गूगल प्रोफाइल से, गूगल ईमेल आईडी से आप लॉग इन कर लेंगे। और दोस्तों, अब लाइव जाने के लिए आपको क्या करना है, मल्टी स्ट्रीमिंग, यानी कि अगर आप फेसबुक पर करना चाहते हैं या और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ट्विच भी एक प्लेटफॉर्म है लाइव का, उस तरह के जो लाइव आप करना चाहते हो, तो नीचे आप यहाँ पे देखिएगा सेटिंग ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग्स से मैं जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट सेटिंग में देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये जो ऑलरेडी टिक्ड और ब्राइटेड आ रहे हैं ना, देखिए ट्विटर इसके अंदर आ रहा है यहाँ पे ट्विटर, और ये यूट्यूब का है और ये फेसबुक का है। मैं फेसबुक से ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ तो इसलिए ये वाला चीज़ यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये जैसे ये ट्विच का ऑप्शन है, ट्विच के बाद यहाँ पे दूसरा मिक्सर का भी ऑप्शन है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस। आपको फेसबुक पे जैसे यहाँ पे क्लिक करना है, जब मैं ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, सपोजिंगली मैं ट्विच पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं ट्विच पे क्लिक किया है तो ट्विच पे क्लिक करेंगे तो ये ट्विच पे ना इस तरह की चीज़ ऑप्शन ओपन हो रही है, ये देखिएगा दोस्तों, इस तरह से ट्विच का लॉगिन का पेज आ जाता है। ऐसे ही आपका फेसबुक का लॉगिन का पेज आ जाएगा यहाँ पे, उसमें आप डिटेल्स डाल दीजिए, आप इसमें एंटर कर जाएंगे, और ऐसे ही यहाँ पे फेसबुक में एंटर कर जाएंगे। इसमें एक और चीज़ जो जनरली क्वेश्चन बाद में रेज होता है उसको मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ, दिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फेसबुक प्रोफाइल एक अलग होता है और फेसबुक पेज एक अलग होता है। अब आप ऊपर देखेंगे प्रोफाइल सेटिंग जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा फेसबुक जो मेरा ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे अमित अमित लिखा हुआ है, उसके नीचे देखिए स्ट्रीम टू लिखा आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँ तो आप देखिएगा एक विंडो ऐसे ओपन हो गई है। इसके अंदर आ रहा है कि ऑन माय वॉल ओनली मी प्राइवेट गेमिंग इंडिया ऑन और नॉलेज इन जनरल, तो मैंने अभी गेमिंग इंडिया ऑन का पेज अपना जो है वो सिलेक्ट किया है। सो आप अपना यूट्यूब पे सिर्फ प्रोफाइल पे जाके अगर स्ट्रीम करना चाहते हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपका अलग से कोई पेज है जिस पे आप स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, आप इजीली इसको सिलेक्ट करके
ये वाला चीज़ बहुत इजीली कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं ब्रॉडकास्ट सेटिंग में। अब दोस्तों यू आर एक्चुअली इस मोमेंट पे अगर मैं बात करूँ, यू आर रेडी टू ब्रॉडकास्ट योर लाइव, ये इतना इजी है इस ऐप में। अब यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूँगा तो नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैंने सेव दबा दिया। अब हम वापस अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं जैसे ही गो लाइव का बटन जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला, इसको जैसे क्लिक करूँगा आई विल बी लाइव ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। और ये वाला चीज़ दोस्तों इतना ईजी है, आप इतनी ईजी तरीके से कर सकते हैं, देर इज़ नो कॉस्ट इन्वॉल्व। लास्ट हम बात कर लेते हैं जो तीन ऑप्शंस दे रखी हैं आपको। इसमें सबसे पहली ऑप्शन जो है वो मोबाइल की है, ये कैमरा की ऑप्शन है। इस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये जो मेरे मोबाइल का दूसरे साइड पे आ गया, ये मेरे सामने वॉल है उसका जो आप देख रहे हैं। तो बोथ द कैमराज कैन बी स्विच, फ्रंट एंड बैक कैमरा आप स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो वॉइस है, वॉइस को अगर मैं क्लिक कर दूंगा, ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो जो मेरा म्यूट है, जो वॉइस आ रही है वो म्यूट हो जाएगी। सो अगर मान लीजिए कभी ऐसा लाइव के अंदर हो रहा है कि वॉइस डिस्टर्बिंग आ रही है, तो आप इसको ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो ये वाला आ रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन है टेक्स्ट का। अब अगर हम बात करें कि जब आप यहाँ पे ऑनलाइव जो है लाइव चले जाएंगे, तो टेक्स्ट जो मैसेजेस हैं वो आपके इस वाली विंडो पे शो होने लगेंगे। अब ये वाला चीज़ अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप देखिएगा ये ब्लैक हो गया नीचे से हल्का सा जो स्क्रीन है। दिस इज़ बिकॉज कि ये देखिए टेक्स्ट यहाँ पे आए हुए हैं ऑलरेडी, मैंने टेस्टिंग के लिए डाले थे टेक्स्ट, हेलो हाय लिखा था। और देखिएगा ये दो प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं। पहला वाला प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं उसमें जो बना हुआ है लोगो, यहाँ पे आप देखेंगे फेसबुक, ये यूट्यूब का लोगो बना हुआ है और उसके नीचे देखिएगा फेसबुक का लोगो बना हुआ है। सो जो भी आपको टेक्स्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, इवन वो ये समझ लीजिए आइडेंटिफाई होकर यहाँ पे प्रोजेक्ट होने लगेंगे। सो दिस इज़ अमेजिंग ऐप। ये वाला चीज़ मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया जो स्पिरिचुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मंदिर में, या फिर किसी भी स्पिरिचुअल जगह का अगर आप लाइव देना चाहते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को फीड देना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऐप। इस ऐप के अंदर आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी, सिंपल सी चीज़ है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ।